नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, दिन की शुरुआत में जो चीज, जानवर या इंसान हम देख लेते हैं, हमारा दिन उसी के हिसाब से जाता है। दिन की शुरुआत हमेशा शुभ और मंगलकारी चीजों के दर्शन से ही करनी चाहिए। हमारे हाथों में एक अलग तरह की ऊर्जा होती है, इसलिए बिस्तर से उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए और अपने इष्ट देव यानी जिन्हें भी आप मानते हैं उनका नाम स्मरण करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो बातें हैं जिन्हें सुबह सुबह आपको करना चाहिए और साथ ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें सुबह के समय करने से आपको बचना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, जमीन पर पैर रखने से पहले पृथ्वी माता से क्षमा मांग लेनी चाहिए। शास्त्रों में पृथ्वी को हमारी माता बताया गया है जो हमारा बोझ उठाती है। ऐसा करने से आपके सभी दोष दूर हो जाएंगे और शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। दोस्तों, सुबह हर रोज स्नान के समय नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर नहाना चाहिए और स्नान करते समय सभी तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों के नाम का जप करना चाहिए। ऐसा करने से आपको सभी तीर्थों का पुण्य मिलता है और स्नान करने के बाद तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है और आत्मा और मन को ऊर्जा मिलती है। साथ ही कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति रहती है जिससे सेहत के साथ साथ लंबी उम्र भी मिलती है और समाज में मान सम्मान के साथ आर्थिक वृद्धि भी होती है। रोज सुबह गाय को रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है और हमेशा खुशहाली बनी रहती है। आपको रोज सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए ताकि आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस घर में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में अगर सकारात्मक ऊर्जा और मन की शांति चाहते हैं या अगर घर के किसी सदस्य को बुरे सपने आते हैं तो रोजाना सुबह और शाम कपूर को घी में भिगोकर जलाएं और पूरे घर में उसकी खुशबू फैलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, बुरे सपने भी आना बंद हो जाएंगे और घर में शांति बनी रहेगी। दोस्तों, इसी तरह कपूर का एक और उपाय आप धन प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय सुबह के समय नहीं, आपको शाम के समय करना है। अगर आप अचानक धन प्राप्त करना चाहते हैं तो गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखकर शाम के समय उस कपूर को जला दें और उसके बाद उस फूल को देवी दुर्गा को चढ़ा दें। इससे आपको अचानक धन मिल सकता है। ये काम आप कभी भी शुरू करके कम से कम 7 दिन तक आप करें तो आपको लाभ मिलेगा। अगर ये काम नवरात्रि के दौरान शुरू किया जाए तो और भी ज्यादा असरकार होगा। दोस्तों, कुछ लोगों को सुबह उठते ही अपने चेहरे को आईने में देखने की आदत होती है। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है और दिन शुभ नहीं जाता। सुबह उठते ही सबसे पहले शीशा नहीं देखना चाहिए। सुबह सुबह अगर आप किसी कुत्ते को घर के बाहर लड़ाई करते देखते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी सुबह अगर शुभ दर्शन और शुभ कार्यों के साथ की जाए तो पूरा दिन भी शुभ बीतेगा और हर काम में सफलता मिलेगी। तो इसके लिए आपको नींद से जागते ही एकदम से आंखें नहीं खोलनी चाहिए। धीरे धीरे आंखें खोलें और ये सुनिश्चित कर लें कि आंखें खुलते ही आपको अच्छी तस्वीर के दर्शन हो या आप सबसे पहले अपनी हथेली के दर्शन करें और भगवान का ध्यान करें। सुबह उठते ही अगर शंख या मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे तो ये शुभ होता है। नारियल, शंख, मोर, हंस या फूल आपको सुबह दिखाई दे या उनकी तस्वीरें दिख जाएं तो दिन भर में किए गए सभी कामों में सफलता मिलती है और पूरा दिन शुभ बीतता है। अगर सुबह घर से निकलते ही आपको कोई सफाई कर्मचारी दिखाई दे तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। दिन की शुभता के लिए अच्छा रहेगा कि आप अपने बेडरूम में अच्छी अच्छी तस्वीरें लगाएं ताकि सुबह शुभ चीजों के दर्शन हो और वातावरण भी सुगंधित रखें। सुबह उठते ही लड़ाई झगड़ा ना करें, 6 शब्दों का ही प्रयोग करें। इसके अलावा घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने के लिए, घर से नकारात्मकता को दूर रखने के लिए घर में हमेशा साफ सफाई रखें। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है देवी
देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।